हेलो बच्चों आज से हम करेंगे एक्सक्यूएल के अंदर जो बेसिकली क्वेरीज आती है तो वो कैसे करी जाएगी, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करके हम ये चीजें कर सकते हैं, तो उसको देखेंगे आज। जहां पे पहली वीडियो के अंदर हम इसमें करेंगे कि क्रिएट डेटाबेस। भाई सबसे पहले अगर हम एसक्यूएल या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं कोई भी, चाहे आप ओरेकल का यूज कर रहे हो, एमएस एसक्यूएल का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो, तो भैया सबसे पहले कुछ भी करो, जब इंस्टॉल करने के बाद डेटाबेस को क्रिएट करोगे तो आज की क्वेरी में वही देखेंगे और कुछ पॉइंट्स को समझेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए जब भी हमें क्रिएट डेटाबेस करना है, आप मान के चलो कि आप ओरेकल कर रहे हो, मैं जो आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा वो ओरेकल पे नहीं कराऊंगा, वो एमएस एसक्यूएल के अंदर 2008 वर्जन पे कराऊंगा, ठीक है, बट वो बात की बात है। अभी देखते हैं कि इसका सिनेरियो क्या है। तो क्रिएट डेटाबेस जब भी करना होता है तो हमारे पास क्या क्वेरी होती है कि क्रिएट डेटाबेस, ये क्या है हमारे पास कि भैया ये तो हमें लिखना है, इसका कीवर्ड मान के चलो क्रिएट डेटाबेस, देन डेटाबेस का नाम, ठीक है जी। जो भी हमारे पास क्वेरी एनालाइजर की स्क्रीन होती है जो सॉफ्टवेयर के अंदर, वहां पे इसके अंदर हमें इसको टाइप करना होता है, क्रिएट डेटाबेस टाइप करेंगे, देन जो आपको डेटाबेस का नाम चाहिए वो आप लिख दीजिए, ठीक है जी। तो कैसे, लाइक मैं बोलता हूं क्रिएट डेटाबेस और मैंने डेटाबेस का नाम क्या रखा, इन्फोसिस, ठीक है, मैं एक इन्फोसिस के लिए एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा, आपके पास ये जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इन्फोसिस नाम का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, गलती से भी नहीं होगा, क्यों, गलती कहां करी अब समझो, मैंने क्रिएट डेटाबेस इन्फोसिस लिखा, अब इसको टाइप करने के बाद क्या आपका सीधा ही डेटाबेस बन जाएगा, कुछ तो हम उसको कमांड देनी पड़ेगी, कोई तो बटन दबाना पड़ेगा जिसके बाद उसको ये पता चल जाए कि हाँ ये जो आपने क्वेरी लिखी थी ये खत्म हो गई है भाई, अब इस पे काम करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप इसको करोगे, जब आपको लगता है कि मैंने इन्फोसिस जो भी डेटाबेस का नाम देना ये क्वेरी कंप्लीट कर लिया, देन जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, सॉरी जो आपका सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर के अंदर टॉप साइड में लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे क्वेरी, देखो देन क्लिक एग्जीक्यूट क्वेरी बटन होगा, कि एग्जीक्यूट क्वेरी बटन वहां पे होगा, उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो ये क्या होएगा, ये अंदर सिस्टम के अंदर जाएगा, डेटाबेस के अंदर क्वेरी को चेक करेगा कि जो क्वेरी आपने लिखी है ये सही भी है या नहीं है, यानी इसका पार्सर बनेगा, चेक करेगा ट्रांसलेट करके कि इसका सिंटेक्स जो आपने डाला वो सही भी है या नहीं है। देन जब सब चीज ठीक होगी तो क्या होने वाला है, वहां पे आपके सामने एक चीज लिखी आएगी, कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, वहां पे नंबर ऑफ कमांड्स लिखी आते, फिलहाल वो बात की बात है, मतलब ऐसा कुछ लिखा आएगा कि भाई जो आपने कमांड दी थी वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई, यानी कि जो डेटाबेस आपने बनाया है, जो नाम दिया है, ये सक्सेसफुली उस RDBMS उस सॉफ्टवेयर के अंदर बन गया है। अगर इन केस मान लो कि आपने इन्फोसिस लिखा है और ऑलरेडी उस सॉफ्टवेयर के अंदर इन्फोसिस नाम का डेटाबेस बना हुआ हो तो क्या करोगे, देन क्या आएगा, कमांड्स एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली तो आएगा, बट वहां पे क्या होगा, आपको एक एरर देगा, या हो सकता है नॉट एग्जीक्यूटेड आ जाए, वो डिपेंड करता है, बट वहां पे एक एरर आएगा कि भाई जो आप डेटाबेस बनाना चाहते हो दैट इज ऑलरेडी इस कंप्यूटर में एग्जिस्ट करता है, तो कमांड सक्सेसफुली तो नहीं आएगा फिलहाल, ठीक है। तो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो जाएगा तो कैसे दिखा देगा, तो ये तो हमारा पार्ट भी था कि एक टेबल का नाम सेम नहीं हो सकता, एट्रीब्यूट्स के नाम सेम नहीं हो सकते और डेटाबेस के नाम सेम नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये तो चीज थी और ये चलेगी, तो यहाँ पे ये चीज का हमें ध्यान रखना है। देन एक शॉर्ट की भी होती है, देखो ये तो बटन दिया ही दिया होगा, कुछ शॉर्ट कीज भी होती है, कई बार हर सॉफ्टवेयर के अपने ऊपर होती है कि फंक्शन F5 दबा दिया, 7 दबा दिया, वो तो जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे वो उस पर डिपेंड करता है, वो हमारा भी टास्क नहीं है। अब बात आती है कि चलो आपने डेटाबेस बना दिया सिस्टम के अंदर, सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि अब हाउ टू यूज दैट डेटाबेस, बना तो दिया, अब मुझे उसके अंदर टेबल भी बनानी है, उसके अंदर मुझे एंट्रीज भी करनी है, बट आप उसको अब यूज कैसे करोगे, उसके लिए क्या कमांड है। तो गाइज उसके लिए कमांड है कि क्रिएट करने के बाद अगर आप उस डेटा पे जब काम करना चाहते हो, मान लो कि अभी आपने डेटाबेस बना दिया, ठीक है, आपने उस सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया, सॉफ्टवेयर को बंद करने के बाद आप जाते हो दोबारा खोलते हो, सीधा टाइप करते हो कि मुझे टेबल बनाना है, तो क्या बनाने देगा, नहीं, उसको पहले यह बताना पड़ेगा कि भैया जो तुम टेबल बना रहे हो किस डेटाबेस में बना रहे हो, तो पहले आपको उस डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा, तो उसकी क्वेरी क्या है कि यूज इन्फोसिस,
ठीक है, ये बता रहा है आपको कि क्या कर रहे, यूज किसके लिए यूज होता है, हमेशा डेटाबेस के नाम के साथ। तो ये बता रहा है कि ये डेटाबेस का नाम है, इसको यूज करो, इसको स्टार्ट करो, एग्जीक्यूट करो भाई। क्यों? क्योंकि इस पर अब वर्कअप करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटाबेस वो जो होगा स्टार्ट हो जाएगा और आपको कहेगा कि अब क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, अब काम कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये था आपके पास कि कैसे आपको इस चीज पर चलना है, क्योंकि ये चीजें मैंने देखी है कई बार बुक्स में भी नहीं बताई जाती, सीधा वो सिलेक्ट कमांड बता देते हैं, बट इस चीज का तो आइडिया होना चाहिए ना कि जो चीज आप करने जा रहे हो पहले उसकी बिगनिंग कैसे करोगे। तो पहले डेटाबेस बनाओ और फिर देन उसके बाद आप उसको यूज करो, फिर उसके बाद जो काम होंगे अगले होंगे। ठीक है जी, तो बच्चों ये हो गया आपके पास क्रिएट डेटाबेस की कमांड। अब हम अगली वीडियो में करेंगे कि भाई डेटाबेस तो बना लिया, अब हमें क्रिएट टेबल करना है। ठीक, टेबल को क्रिएट करना सीखेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आई वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। थैंक यू।